मैंने ये 170 रुपए पे किए हैं। बेकार है, मेरे को पता था यहाँ का बेकार है ना। दोस्तों आपका एक बार स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल प्रियांक त्यागी ब्लॉग में। तो जैसा हमने अपने पीछे वीडियो में आपसे प्रॉमिस किया था कि हम लेकर आने वाले आप लोगों के पास में एक दिल्ली टूर, तो उसकी आज शुरुआत की हमने, ये पहला एपिसोड उसका हम आपके पास लेकर आ रहे हैं। और स्टार्ट जो कर रहे हैं पुरानी दिल्ली से कर रहे हैं, पुरानी दिल्ली का ही इम्पैक्ट पूरा टूर होगा ये, जो कि आने वाले काफी सारे हफ्ते में देखने वाले हैं। तो फिलहाल जो स्टार्ट है वो है पीछे हमारे एक शॉप है जिसका नाम है सीताराम, और बहुत फेमस और बहुत ज्यादा भीड़ है, बहुत वैरायटी ऑफ फूड्स है। चलते हैं उनके पास, कुछ ऑर्डर करते हैं जो यूनिक सा मुझे दिखता है। कुछ मैंने रैंडमली डिसाइड नहीं किया कि क्या खाना है, जो ज्यादा अच्छा लगेगा आंखों में भाएगा वो चूज करेंगे, खाएंगे, जायका आपके पास पहुंचेगा। आइए सर, शाही पनीर बटर नान है, पाव भाजी, आलू टिक्की चाट है, छोले भटूरे, छोले कुलचे हैं, समोसे, कचौड़ी है। अच्छा, ये क्या है? एक काठी कबाब है सर, राजस्थानी आइटम है। अच्छा, तो एक प्लेट हमारे लिए काठी कबाब लगाइए आप। ओके सर। भैया और काठी कबाब का क्या रेट है? 170 है सर। 170? यस सर। और क्या क्या, कितना क्या क्या है इसमें? सर उसमें काठी कबाब आएगा और दो माली रोटी आएगी, सलाद आएगा सर। बहुत बढ़िया, लगवाइए। और ये टिक्की जो बन रही है देसी घी में बनती है? किस में? देसी घी की? हाँ जी सर, सब देसी घी का माल, सारा आइटम जो है देसी घी में बनाते हैं। बहुत ही जबरदस्त। और वो लास्ट में कॉर्नर पे क्या रखा है? वो दम आलू की सब्जी है। ये दम आलू है और ये एक कड़ी है। अरे ये कड़ी है, क्या बात है, रंग बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। और अपनी दुकान का जो अगर टाइमिंग की बात करें, क्या टाइमिंग है इसका? टाइमिंग तो बहुत पुरानी हो गई सर। अच्छा, लगभग हो गई कम से कम 40 के करीब। अच्छा, क्या बात है। और सुबह कितने बजे खुल जाती है? सुबह 8 बजे खुल जाती है। और कितने बजे तक रहती है? शाम को 10 बजे तक। 10 बजे तक। बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। जरा आप रंगत देखिए सारे खाने की, क्या जबरदस्त ये लग रही है दिखने में, बहुत ही जबरदस्त ये खाना। और मेरे साथ में मैं अकेला नहीं हूँ, मेरे राहुल भैया भी आए हुए हैं साथ में। राहुल भैया सही सही बताना, दिखने में कैसा लग रहा है? दिखने में बहुत बढ़िया लग रहा है, एक यूनिक लग रहा है, मजेदार, रंगत वाला। हाँ, हमारी ताली लगाई जा रही है। अब आप, हम दिल्ली की सीरीज शुरू करिए, अब आप हमारे को ये बताएंगे दिल्ली का खाना और हम अभी तक गाजियाबाद का खिला रहे थे, क्या फर्क है उसमें? पुरानी दिल्ली तो आपको पता ही है भैया, खाने के लिए फेमस है, फेमस है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। तो दोस्तों यहाँ पे हमारी जो काठी कबाब की जो प्लेट है वो लग के रेडी हो चुकी है, साथ में ये दी है दो रुमाली, ये काठी है और साथ में ये सलाद, ये मिर्ची का अचार और ये हरी चटनी। तो भैया पहली बाइट उठाइए, पहली बाइट आप खाइए, आप बताइए। कबाब में शायद इसमें इन्होंने काठी कबाब में मुझे लग रहा है पनीर भी है, देखो साइड में, अगर मैं आपको दिखाऊं है ना, पनीर भी है। टेस्ट से पहुंचाते हैं, करिए पनीर से ही हम स्टार्ट। बिल्कुल, और मैं तोड़ता हूं इनका ये कबाब, और कबाब जो है इसमें सब्जियां भरी हुई हैं और पनीर है, मिक्स वेजिटेबल्स और ये इसके साथ में, ये इज द बाइट। हल्का सा स्पाइसी बस, ऑनेस्टली बताऊं ये प्लेट हमारे को 170 रुपए की मिली है, 170 वाली तो बात नहीं है, ईमानदारी से बताना है ना, 170 वाली तो चीज नहीं है ये, कितना भी कुछ कर लो। खैर अब जब दुकानें चल जाती हैं, नाम हो जाता है तो ऐसा ही होता है। क्यों भैया, इससे अच्छा कोई 170 में पनीर टिक्का खाओ है ना, वाली रोटी के साथ। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं ये नहीं कह रहा कि बहुत बेकार है, ठीक है, पर 170 रुपए वाली क्वालिटी तो नहीं है, ठीक है। बस एक कि ये अचार ट्राई करो आप,
थोड़ा एक्सपेंसिव है लेकिन 170 के हिसाब से सही है, लेकिन प्राइस के हिसाब से वर्थ देखोगे तो उतना कुछ ठीक है। जब लिया है तो खाना पड़ेगा। अभी कैमरे के पीछे हमारे कार्तिक भैया हैं, वो भी ज्वाइन करेंगे अब हमें, क्योंकि काफी लंबा टूर है ये। तो दोस्तों फिलहाल यहाँ पे हम इस प्लेट को खत्म करते हैं और ऐसे ही अनोखी और डिफरेंट जगहें आपको अभी दिखाते रहेंगे। आप अपना प्यार बना के रखे और देखते रहिए प्रियांक त्यागी ब्लॉग। भैया बिल्कुल ईमानदारी से देखिए, आपने को भी फ्री में नहीं मिला है, पैसे खर्च किए आपने। आपने क्या लगवाया था? ये कचौड़ी, कचौड़ी और साथ में छोले हैं और ये आलू की सारी सब्जी है। कितने रुपए की प्लेट है? मेरे को टोटल ये 180 के पड़े दोनों छोले। अच्छा, छोले भटूरे भी हम आप जो ले। आप मुझे ये बताइए बिल्कुल ईमानदारी से, रिव्यू बेकार है भैया, बेकार है, बेकार है। मैं तो यही का हूँ। हाँ। मेरी फ्रेंड आई हुई थी तो उसने बोला कि यहाँ पे अच्छे हैं, बट यहाँ के अच्छे नहीं है। मेरे को पता है, मेरे को वहाँ जाना था, वहाँ पे मैंने बोला था वहाँ पे अच्छे है, तो मैं तो यही चांदनी चौक का ही हूँ। मैं बेकार है, मैंने ये 170 रुपए पे किए, बेकार हुआ। मेरे को पता था यहाँ का बेकार है ना। आप जहाँ बता रहे हो वो कौन सी दुकान है बताओ? दुकान नहीं, वो गली में जाके वहाँ पे मेरे स्कूल के पास, रामजस स्कूल है, रामजस स्कूल, उसके पास में छोले भटूरे हैं। अच्छा, वहाँ के समोसे भी अच्छे हैं, छोले भटूरे वहाँ के बहुत अच्छे हैं। भटूरे के साथ छोले वो काले वाले अच्छे लगते हैं, काले वाले लगते हैं। एक्चुअली ये तो इस टाइप के चावल में घर वाले हैं, चावल वाले और इसमें भी ऑयल बहुत ज्यादा भरा हुआ है, बहुत ज्यादा है। मैं तो खा ही नहीं रहा, मैं तो अनियन गार्लिक खाता नहीं, तो मैंने खा ही नहीं रहा, मैं तो कचौड़ी खा रहा हूँ। अच्छा चलिए, थैंक यू सो मच भैया, ठीक है भैया।